हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों, मैं दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें दोनों ही फोन शाओमी के हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो फोन है वो पोको की तरह से देखने को मिलता है, पोको X6 सीरीज का, पोको एक्सिस 5G जो फिलहाल कल ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा शाओमी का रेडमी नोट 13 प्रो 5G। हालांकि यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की जो आपको बताने लगा ब्रांड है यानी कंपनी है वो एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही तर्क के साथ यहाँ पे फोन लॉन्च किया गया है पोको को। तो यहाँ पे दोनों फोन अंडर 25 और अंडर 13,000 की सेगमेंट दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इसी प्राइस सेगमेंट में कौन सा फोन लेना चाहे, इसी की बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहां पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो पोको X6 5G और रेडमी नोट 13 प्रो 5G, ये दोनों में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की, 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको 12 बिट कलर पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, DCI-P3 कलर गेम आउट और यहाँ पे HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के कंपैरिजन में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती, दोनों फोन सेम है। आपको जो फोन की जो डिस्प्ले अच्छी लगती है वो फोन आप ले, हालांकि डिस्प्ले में कोई कंपैरिजन नहीं है तो आपको दोनों में से कोई भी फोन ले सकते हो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। तो डिस्प्ले में कोई कंपैरिजन नहीं, डिस्प्ले की बात करें तो ऑब्वियसली डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है दोनों फोन की। यहाँ पे मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो ऑल ओवर यहां पे डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का, और मैं अभी भी यूज कर रहा हूं तो फिर भी मुझे कमाल की एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, यहां पे भी सेम परफॉर्मेंस है, यहां पे कोई फर्क नहीं है। स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 4nm पे काम करता है, ऑक्टाकोर पावर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक ट्रेन, यहां पे एड्रिनो का A710 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस भी यहां पे सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं। ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पोको के फोन में एंड्रॉइड 14 के साथ हाइपर ओएस देखने को मिल जाता है, वहीं पे रेडमी के नोट 13 प्रो में आपको यहाँ पे MIUI 14 देखने को मिल जाता है, जो पुराना वाला देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा स्लाइटली फर्क हो सकता है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ऑल टुगेदर यहाँ पे मेरे नोट 13 प्रो यूज कर रहा हूँ, तो उसी के मुकाबले बात करें तो ऑब्वियसली दोनों में परफॉर्मेंस सेम है, गेमिंग मल्टीटास्किंग सब कुछ यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बताएंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया है। पोको X6 5G में आपको तीन अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB 256GB, 12GB 256GB और 12GB 512GB के साथ आपको तीन वेरियंट देखने को मिलते हैं। LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे कोई एक्सपेंशन स्लॉट नहीं है, यानी कि ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पे Redmi Note 13 Pro की बात करूं तो यहाँ पे भी तीन वेरिएंट है, 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB के साथ तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी सेम LPDDR4X RAM का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी एक्सपेंशन स्लॉट देखने को नहीं मिलता। ये दोनों फोन रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले बराबर से है। हाँ, यहाँ पे 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको Redmi के फोन में देखने को मिलता है, लेकिन वेरिएंट और यहाँ पे पोको X6 में बेस वेरिएंट है वही 256GB के शुरू होता है। ये थोड़ा सा एक ऑड है, पता नहीं शाओमी को इस तरह का रेडमी देता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन स्टिल यहाँ पे पोको के फोन में आपको बेस वेरिएंट ही 256GB का देखने को मिल जाता है। तो रैम और स्टोरेज के मामले थोड़ा बहुत बेटर यहाँ पे पोको का फोन देखने को मिलता है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि पोको X6 5G में आपको 64MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.75 एपर्चर के साथ में, जो एक मेन लेंस है OIS कैमरा देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का एक यूजलेस आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। ये बहुत अच्छी बात है, कैमरा आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे एक फर्क है। Redmi Note 13 Pro में आपको देखने को मिलता है 200MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें Samsung का सेंसर देखने को मिलता है, HP3 वाला सेंसर F1.65 एपर्चर के साथ में, जो एक मेन लेंस है OIS कैमरा के साथ देखने को मिलता है। दूसरा 8MP का वही सेम 2MP मैक्रो और ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, और 4K 1080p 13fps और 16fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। तो यहां पे जो कैमरा है उसमें प्राइमरी लेंस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों फोन के मुकाबले, तो यहाँ पे पोको थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो अगर आपको 200MP का एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि यहाँ पे पोको ने कुछ बताया नहीं कि कौन सा सेंसर लगाया है, इवेंट में भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ ऐसे बता दिया कि 64MP का एक कैमरा देखने
को मिलेगा, लेकिन कौन सा सेंसर है सोनी सेंसर वो भी मेंशन नहीं किया गया, जबकि रेडमी के फोन में ये मेंशन है कि सैमसंग का सेंसर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, 200 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल वो आप डिफरेंस कर ही सकते हो, तो उसके मुकाबले मुझे लगता है कि जो रेडमी का फोन है वो बेटर है रियर कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, 16 मेगापिक्सल की पंचुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.45 अपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, ऑन द पेपर जो आपको कैमरा मिलता है वही है, सेम कंपनी है, तो यहाँ पे ज्यादा कह नहीं सकते, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, पेरेंट कंपनी है एक और मेन कंपनी है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोको के फोन में हाइपर OS देखने को मिलता है, वहीं पे आपको रेडमी नोट 13 प्रो में आपको MIUI 14 देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है सेल्फी कैमरा के मामले में, बाकी सेल्फी कैमरा ऑन द पेपर सेम ही देखने को मिलता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताऊंगे यहाँ पे आपको 5100 mAh की आपको दोनों में सेम बैटरी देखने को मिल जाती है, दोनों में आपको 67W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डिफरेंस देखने को मिलता है, पोको X6 5G में इंडिया का ये पहला फोन होगा Xiaomi का, यानी कि Xiaomi का तो नहीं पोको का है, लेकिन Xiaomi का कह सकते हैं, क्योंकि Redmi ने अभी अभी एक वीक पहले ही फोन लॉन्च किया, फिर भी यहाँ पे उन्होंने Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, वहीं पे पोको X6 में आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको हाइपर OS भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 13 Pro में आपको वही पुराना वाला MIUI 14 देखने को मिल जाता है, तो इसी के मामले में यहाँ पे पोको X6 5G वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.2, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और IP54 का भी रेटिंग देखने को मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले दोनों फोन बराबर से, यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे यहाँ पे आपको दो पोको के फोन में दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो आपको 22,000 का देखने को मिलेगा, दूसरा जो वेरिएंट है आपको 24,000 का देखने को मिल जाएगा, और तीसरा जो वेरिएंट है वो आपको 25,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो बीच वाला वेरिएंट है 12-256 GB वाला वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो फरवरी के महीने में लॉन्च होगा, यानी कि अवेलेबल होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको 17th of January को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, इसका मैं लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेस कर सकते हो, हालांकि प्री बुकिंग भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेडमी नोट 13 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो ही 26,000 का देखने को मिलता है, दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 28,000 का देखने को मिलता है, और तीसरा जो वेरिएंट है आपको 30,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखो परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग कहना चाहूंगा कि यहाँ पे दोनों फोन बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क यहाँ पे कैमरा वाइज देखने को मिल जाता है, जो एक ही डिफरेंस है, बाकी कैमरा और एक सॉफ्टवेयर, ये दो ही डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है दोनों फोन में। और बात करें प्राइस के हिसाब से, तो ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से भी यहाँ पे पोको का फोन थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 13 प्रो, बाकी यहाँ पे बात गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो Xiaomi की जो मेन कंपनी है वो Xiaomi और रेडमी ये दो है, लेकिन उसके बाद कोई नंबर आता है तो वो पोको का फोन आता है। लेकिन ये पोको की एक खासियत होती है, जब भी कोई फोन लॉन्च करते हैं जब भी कम प्राइस में, तब इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल क्या होता है कि कम प्राइस में जब भी फोन लॉन्च करता है उसके हिसाब से यहाँ पे मदरबोर्ड के डेड इश्यू देखने को मिल जाते हैं, कई बार क्या होता है कि आपको फोन अपडेट करते उसके बाद भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को मैंने रिव्यू में भी देखा था कि उन्होंने जो हाइपर OS था उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है पोको के फोन में देखने को मिलते, जबकि रेडमी के फोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने अभी भी लिया है, 2-3 दिन हो चुके हैं फोन को यूज करते हुए, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं देखने को मिला कि जबकि मेरे को 5G को प्रॉब्लम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर में इश्यू देखने को मिला Xiaomi के किसी भी, यानी कि रेडमी का कोई भी फोन, हालांकि रेडमी नोट 12 प्रो भी मैंने यूज किया था फर्स्ट डे से और अभी तक मैंने यूज किया, फिर भी यहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ना ही सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, ना ही कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बग भी देखने को, हाँ कुछ बीच में एक बैटरी इश्यू देखने को मिला था लेकिन वो बैटरी ड्रेन इश्यू था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा मुझे देखने को नहीं मिला नोट 12 प्रो में, और नोट 13 प्रो में भी ऐसा कुछ मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ पोको के फोन में क्या होता है कि कभी भी जब भी नया फोन लॉन्च होता है उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें ट्विटर में भी देखने को मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी
सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छी खासी निकालता है पोको, लेकिन स्टिल इस मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो मेरे रिकमेंडेशन से रेडमी का फोन आप ले सकते हो, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आपको प्राइस कम प्राइस में आपको फोन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पोको का फोन लेना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन आपको पहले दो तीन बार यानी कि एक दो वीक जाने दो, उसके बाद दीजिए, क्योंकि कौन सा रिव्यू अच्छा आएगा वो उसी के बाद ही पता चलेगा, तो उसके हिसाब से लेना चाहिए। बाकी नहीं अभी तक तो पहले कोई फोन ना लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे Xiaomi का Redmi Note 13 Pro है, वो थोड़ा सा बेटर है, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।